सेंटर में जो जीपीएमसी में जो सेंटर है वो कायम कर दिया गया है। इस सेंटर में जो है वो बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ जो है वो तरीकों से है जो वैक्सीनेशन सेंटर का जो तरीके का लगाया जाएगा। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पहले सबसे पहले जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, उसके बाद जो है वो बुखार चेक किया जाएगा और ब्लड प्रेशर के मरीज जो आ रहे हैं उसको कोई ब्लड प्रेशर या बुखार का मरीज नहीं है, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जो है वो तबके बनाए गए, लेबल्स बनाए गए, उसमें जो है वो वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। और वैक्सीनेशन जो है वो बताया ये जा रहा है कि कल जो है पाकिस्तान में है PIA के है ज़रिए पाकिस्तान पहुँच जाएगी, उसके बाद जो है अगले हफ्ते जो है वो यहाँ इस सेंटर पे मौजूद होगी। और यहाँ पे जो पहले मरहल में जो है वो मेडिकल जो ऑफिसर है जो सबसे आगे जो कोरोना में काम कर रहे हैं उनको लगाई जाएगी। इस हवाले से जो है हम यहाँ के जो हुकाम है उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। पहला जो क्राइटेरिया है जो यहाँ सेट किया गया है कि उसके हिसाब से हेल्थ प्रोफेशनल्स को लगेगी, उन सब की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और मरहलेवार जो है हर एक को एक नादरा लिंक सिस्टम से मैसेज रिसीव होगा 1166 के जो उनकी है हेल्पलाइन उनसे कि आपका जो है वैक्सीनेशन सेंटर ये है और इस पे आपकी ड्यू है जाके वैक्सीन लगवाएं। तो उनको अपने CNIC और पिन कोड के साथ आके हमारी रजिस्ट्रेशन डेस्क पे रजिस्टर कराना होगा, देन प्रोसेस स्टार्ट। जो आपको हमने ये दिखाया प्री वैक्सीनेशन वैक्सीन होगी और उसके बाद हमने वो इंतजाम भी किए हुए हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल सेटअप पे बनाया हुआ है, बिल फर्ज अल्लाह ना करे तो हमने एक AFI सेंटर भी बनाया हुआ है लोगों के लिए, वेटिंग एरिया प्री पोस्ट वैक्सीनेशन ऑल सेटअप जो किया हुआ है एज पर क्राइटेरिया किया हुआ है। दो डोज वैक्सीन है प्री फर्स्ट डोज के बाद उनको उसी से क्राइटेरिया से दूसरे वैक्सीन की डोज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और ये JPMC की कोलाबरेशन मैडम सीमी जमाली और DHO साउथ के कोलाबरेशन और लीड हेल्थ डिपार्टमेंट की मैडम अजरा साहिबा DG साहिबा सेक्रेटरी हेल्थ साहिब के जो सुपरवाइजरी लीड से इंशाल्लाह ये प्रोग्राम सक्सेस होगा। और डिस्ट्रिक्ट साउथ में हमने दो सेंटर बनाए, एक JPMC है मेन और खालिक डेनू हॉल है, तो दो सेंटर से हम अप्रोच करेंगे।